यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। एक लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जिता दोगे आप तो अपनी बिरादरी के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। हमारे यहाँ जाति देख करके कोई सुविधा तो नहीं दी जाती है ना। मोदी का नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। सपा जानती है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मिलेंगे, भाजपा जानती है कि धर्म के आधार पर वोट मिलेंगे। एक ही कांग्रेस पार्टी है जो आपके सामने खड़े होकर विकास के आधार पर वोट मिलेंगे। मासूम सी सुबह हसीन सी शाम होती है, मासूम सी सुबह हसीन सी शाम होती है, ये लखनऊ है, यहाँ अदब सी रात होती है। अब भला सोचिए, ये अदब की इंतहा नहीं तो और क्या है। दिन के जो अलग अलग पहर होते हैं, जो कालखंड होते हैं, उसे भी अदब से जोड़कर यहाँ देखा जाता है, ये लखनऊ है। तो हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत लखनऊ में, जरा एक जोरदार ताली हो जाए। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आनंद, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत अब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करने जा रहे हैं। बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले देखिए, मुझे यहां पर कई युवा दिख गए थे। ये दरअसल शहर का प्रमुख चौराहा है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने तख्ती में लिखी हुई है। उम्र 18 पूरी है तो मत देना बहुत जरूरी है। डोंट बी ए गोट, थिंक एंड वोट। बुलेट की तुलना में बैलेट अधिक मजबूत होता है, अब्राहम लिंकन की ये कही हुई पंक्तियां हैं जो ये दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, नेशन फर्स्ट वोट मस्ट, मतलब मुद्दे बहुत हैं, मतलब नेता सिर्फ जो आपको मुद्दे बताते हैं वो होता नहीं है। क्या कहने की कोशिश है आपकी? ये तो आप यहां तक कह रहे हैं कि हम लाएंगे वो सरकार जो देगी नदियों को जीवनदान, मतलब यहां तक बात कर रहे हैं आप चुनाव में? जी, हमारा मेन मोटिव इस बार चुनाव में वोट डालने का होगा। ऐसा विधायक चुनेंगे जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखे, हमारे जानवर सलामत रहें, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन का सबसे हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है उसके हिसाब से वोट दिया जाएगा इस बार। अच्छा, तो देखिए दर्शकों को यह समझने की आवश्यकता है कि जो आप सिर्फ नेताओं को बोलते देखते हैं, उनके समर्थकों को बोलते देखते हैं, मुद्दा सिर्फ वही नहीं है, मुद्दे ये भी हैं। लेकिन आज जो चुनाव हुआ है, तीन चरण के चुनाव अब उत्तर प्रदेश में हो गए, इस लिहाज से अगर आप देखें, आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 172 सीटों पर मतदान हो चुका अब तक के चुनाव में, और इनमें से 140 ऐसी सीटें थी पिछली बार इतने चरण के चुनाव के बाद जो बीजेपी ने जीती थी। तो क्या इस बार बीजेपी फिर से वो कमाल कर पाएगी, इस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं जरा आपको अपने संवाददाताओं के पास लिए चलता हूं। मतदान खत्म होने के बाद अलग अलग जगहों से क्या सूचना मिल रही है? हमारे साथ कानपुर से मनोज्ञा लोयवाल जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी। हम आपको करहल लिए चलेंगे अंकित गुप्ता के पास, और इटावा से निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अंकित आपके पास आना चाहूंगा। करहल एक ऐसी सीट जहां पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, वहां से क्या अपडेट है? अखिलेश, मतदान खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा निकल के आया है, करीबन 62% से ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे जब फाइनल आंकड़ा एक बार सामने आएगा तो उम्मीद की जा रही है 65% से ज्यादा मतदान यहां पर होगा। और बात की जाए समूचे उत्तर प्रदेश की, तो क्योंकि चुनाव आयोग से वो आंकड़ा भी यहां सामने आ चुका है, 57% से ज्यादा मतदान हुआ था शाम को 5 बजे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 62% का आंकड़ा जो है पार हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश के इस तीसरे चरण की बात की जाए। अब हम अगर बात करते हैं करहल की, तो करहल क्योंकि जो है यहां से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है। अंकित जरा कानपुर चल लेते हैं। कानपुर से मनोज्ञा लोयवाल हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, कानपुर से क्या सूचना मिल रही है, कैसा रहा आज वहां पर मतदान? देखिए, कुछ इलाकों में तो शिकायतें आई हैं जिसमें अजय कपूर जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि कई जगहों पर उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज दो मंत्रियों के भाग्यों का फैसला भी हो गया है। कानपुर के जिले में 7 सीटों में से 2 सीटों पर महाराजपुर पर आज सतीश महाना के भाग्य का फैसला जनता ने कर दिया है। करीब 52% से ज्यादा वोट अभी तक पड़ चुके हैं, जबकि दोपहर तक ये आंकड़े मात्र 28% थे दोपहर 1 बजे तक कानपुर के लिए, जो कि बहुत ही शोचनीय भी है, क्योंकि बाकी सारे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है उसके मुकाबले कानपुर में बहुत कम थी। शाम के बाद से इस वोटिंग को अगर कहें तो बेहतर हुई है। पिछली बार हालांकि 52% थी, अब 53% चलते हैं। इटावा से हमारे साथ निधिश्री जुड़ी हुई है। इटावा से क्या सूचना मिल रही है आज वोटिंग को लेकर, निधि?
जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए इटावा की तीनों विधानसभा सीटों पर 6 बजे तक जो है वो मतदान हो चुका है और अगर मैं 5 बजे तक पोलिंग परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 58% यहां पर वोटिंग हुई है। मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर हूं, अगर आपको मैं पीछे की तस्वीर दिखा सकूं, यहां पर अभी भी मतदान जो है वो अब लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं, तो कुल मिलाकर यहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। ये उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक, हालांकि हमारे पास जो आंकड़ा है वो 5 बजे तक का है, तो अगले 1 घंटे में शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम लखनऊ में मौजूद हैं तो लखनऊ की जनता से ही बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। और जरा मुझे बताइए, पिछली बार जो बीजेपी ने यहां पर करिश्मा किया था तीसरे चरण के मतदान के बाद, वो एक बार फिर से होगा क्या? इतनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी क्या? जय श्री राम, जिंदाबाद अखिलेश यादव। चलिए, मेरे साथ जो यहाँ पर नेता मौजूद है उनसे बातचीत की शुरुआत करता हूँ। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ राहुल सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ यहाँ पर पंकज श्रीवास्तव साहब भी हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी। और हमारे साथ फैजान खान भी हैं बीएसपी से, स्वागत है आपका। जो सवाल मैं पूछ रहा था कि 140-172 में से आपको मिली थी तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लगता है वो करिश्मा दोहरा पाएंगे? ने बिल्कुल पुराने करिश्मे को हम लोग दोहराएंगे और जबरदस्त तरीके से दोहराएंगे। 172 में 140 मिल जाएंगे? नहीं देखिए, 172 में 140 मिलेगी कि उससे ज्यादा मिलेगी, ये तो आपको 10 मार्च ज्यादा भी सोच के बैठे हुए आप भाई। जो चुनाव लड़ता है वो ज्यादा सोच के ही लड़ता है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे हम ज्यादा लड़ेंगे। मैं तो आपसे जमीनी हकीकत इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में फर्क होता है। नहीं देखिए, जिस तरह से जमीन पर हमने काम किया है उससे हमें पूरा विश्वास है कि जनता प्रचंड आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पुनः देगी और हम उत्तर प्रदेश में अपने पुराने रिकॉर्ड से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ। अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी समाजवादी पार्टी को, ही कह रहे हैं वो 140 से भी ज्यादा सीटें ले आएंगे। कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में जो अखिलेश जी की लहर चल रही है, सारे प्रवक्ता आप देखिए बीजेपी के दिखाई नहीं दे रहे मैदान में, और आप देख रहे हैं सामने की तो ये रहे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितना हजूम है ये देखिए सब अखिलेश जी के समर्थक हैं। और अखिलेश जी के हैं क्या? यही नहीं, यही पूरे प्रदेश का ही हाल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो इनके मैनिफेस्टो थे अपने मैनिफेस्टो पे बिल्कुल नहीं खड़े उतरे। कितनी सीटें ले रही है समाजवादी पार्टी इस बार 172 में से? देखिए 172 में समाजवादी पार्टी 150 प्लस जाएगी। और 150 140 से भी ज्यादा? पंकज जी फिर आप लोग कहाँ हैं, कांग्रेस कहाँ है, सीटें बची है कितनी? अब तो कांग्रेस अकेली पार्टी है पिछले 3 साल में जिसने सड़क पर संघर्ष किया है, विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे वो हाथरस का मसला रहा हो, चाहे वो आगरा में जो अरुण वाल्मीकि की हत्या रही हो, चाहे आदिवासियों का सोनभद्र में संघर्ष जिस तरह से संहार हुआ वो रहा हो, हर मुद्दे पे कोरोना काल में जब लाखों मजदूर पलायन करके लौट रहे थे वापस, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो बसों को लेकर वहां पर खड़ी हो गई थी रात दिन। अगर किसी ने तो ये भी आरोप लगाना कि आप तो मुंबई से भेज भी रहे थे लोगों को टिकट कर करके पलायन के लिए। अब सवाल है कि आरोप लगाने का तो क्या कहा जाए। आज तो यहां पर ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि जो गृह मंत्री साहब हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान जब 12वीं पास कर लेंगे तो इंटर में उनको एडमिशन करा के और उनको लैपटॉप दिया जाएगा। एक बात बताइए, मैं बीएसपी के नेता के पास जाऊं उसे पहले छोटे में जवाब दीजिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आपने इतना संघर्ष किया, आप सड़क पर नजर आए, वोट में क्यों नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं, सीटें क्यों नहीं मिल पाती हैं? आपको रिजल्ट मिल गया? आपको क्या लगता है आप कितनी सीटें ले आइएगा, चलिए आप ही बता दीजिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 172 में ये लोग 150 सीटें ला रहे हैं, दोनों का दावा है, आपका क्या दावा है? उत्तर में 160 सीटें योगी जी के साढ़ भारतीय जनता पार्टी की चर गए हैं। ये कांग्रेस को कितनी मिल रही है? अब हम कितना लाएंगे अब आपको दिखाएंगे। बताने को राजी नहीं है। बीएसपी कहाँ है? बीएसपी कहाँ है? कितनी सीटें मिल रही हैं? पहले तो अखिलेश जी आपका और एबीपी चैनल और उनके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और जनाब जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इस बात से मैं लखनऊ की तहजीब तमद्दुन को स्टार्ट करते हुए मैं कहूं, और मैं सबसे पहले अपने लीडर आदर्श लीडर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने लखनऊ का इतना बड़ा विकास किया कि आज एबीपी चैनल को यहाँ प्लेटफॉर्म मिला, उन्हें रोड पे धक्के मुक्के खाने के लिए कोई एपिसोड नहीं करना पड़ा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अभी बात कही अपनी, भारतीय जनता पार्टी का हाल आप देख लीजिए। आप अपनी बताइए ना, बीजेपी की छोड़िए, कांग्रेस की छोड़िए,
सफाइयों को छोड़िए, अपनी बताइए ना। अपनी इसलिए बता रहे हैं कि जिस साठ गांठ से भारतीय जनता पार्टी अपना टक्कर समाजवादी पार्टी से बताती है आपके चैनलों पे, वो इसलिए क्योंकि उसे तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण और जाति 80-20 करने में बड़ा आराम मिलता है जब समाजवादी पार्टी को टक्कर में बताती है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का अगर नाम ले ली गलती से भी, 172 में कितनी सीटें मिल रही हैं? सीधा सवाल, हम लोग अमित शाह जी की तरह तो है नहीं। सब पे लड़ रहे हैं कि नहीं बताइए? नहीं, आप तो 403 पे लड़ रहे हैं चुनाव बिना किसी गठबंधन। 172 में कितनी सीटें लीजिएगा? हमारा गठबंधन जनता के साथ हुआ तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र सबसे बड़ा चुनावी कथा। सीट नहीं बता पा रहे, आप कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुमत की सरकार बना रहे 2007 के तर्ज पे और तुष्टिकरण ध्रुवीकरण को इस बार नाबूद करके दिखा। ठीक है, चलिए मैं जनता के पास सीधे आ रहा हूँ। फटाफट सवाल क्या है, सवाल किसे पूछ रहे हैं? पीछे आता हूँ मैं, पीछे चलिए, बोलिए बोलिए, सवाल क्या है, कौन बोलना चाहता है? रोजगारी के मुद्दे पे भाजपा अपना क्या स्टैंड लेती है? ठीक है बोलिए। जवानों, बेरोजगारी के ऊपर मैं बीजेपी के प्रवक्ता पूछता हूं कि आप बेरोजगारी जो इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, उसी के ऊपर बोलिए, बाकी ये राम रहीम तो मत बोलिएगा, मंदिर मस्जिद पर ना बोलिए। सर मैं पूछना चाहता हूं, अरे खड़े हो जाइए भाई, अभी उम्र पर। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार 2016 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बोला था अधिकार दिलाओ रैली करके संविधान को परमानेंट करेंगे, अभी आज तक क्यों नहीं किए, ये पूछ लिया। मैं आजमगढ़ जिले से आया हूँ, आपकी साइकिल एकदम 350 पार है। अच्छा, बोलिए क्या कहना। भाई साहब पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पूर्व की सरकारों में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम योगी सरकार द्वारा हुआ है, सबसे ज्यादा काम रोजगार देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और ये सरकार सिर्फ लाठी देने का काम करती। रोजगार में पारदर्शिता नहीं होती थी पिछली सरकारों में, एक वर्ग विशेष को रोजगार देने का काम करती है। कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, कह रहे हैं दो मिनट, ये राम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान करना छोड़ दें, बहस नहीं कर सकते। चलिए आप ही के पास आता हूं सीधे, दुबे जी, बीजेपी के नेता से सवाल। वो कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दों पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि असल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, आतंक के अब्बा जान की एंट्री हो जाती है। सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी की जो बात उठाई गई है मैं उसी पे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने 5 साल में 2,05,000 सरकारी नौकरियां दी, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 95,000 सरकारी नौकरी दी। ये आंकड़ा है, ये डेटा है। और इसके अलावा, अरे भाई सुन लीजिए, नारे बाद में लगा लीजिएगा, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी में जिस तरह से नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ, ये नौकरी वाले मुद्दे पर सवाल उठा रहे, क्या कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से आंकड़ा पूछ लीजिए, 21 लाख पद सरकारी नौकरियों में रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं 21 लाख, जबकि हमारे नौजवान इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, हर दूसरा घर बेरोजगार है, जनता बड़ा होशियार है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम किया है, सरकारी नौकरी हमने 4.25 लाख सरकारी नौकरी 5 साल में दिया है, 3.5 लाख संविदा पे दिया है, और 2.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में उत्पन्न। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं होता है, ये आतंक के अब्बा जान कहां से आ जाते हैं, साइकिल पर बम की बात क्यों हो जाती है? चुनाव हम रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे थे, हम एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर लड़ रहे थे, हमने उत्तर प्रदेश में 5-5 एक्सप्रेसवे पे काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट पे काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री चुनाव में किसने कराई? अखिलेश यादव ने। सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से किसने की? अखिलेश यादव जी ने। सफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी तालिबान के आतंकियों जैसे थे? जवाब दीजिए, देखिए आतंक के अब्बा जान के पास विकास के कोई मुद्दे न थे न है, जब भी चुनाव आएगा भाई तो ये कह रहे हैं कि भैया समाजवादी पार्टी का जो एक नेता है उसके बेटे को इस मामले में गिरफ्तारी, आपको पता है ना जो सजा मिली है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि टेनी पे क्या इनका विचार है? टेनी इतना बड़ा आतंकवादी है जो किसानों को रौंदते हुए कितने किसान मारे गए, 700 किसान मारे गए हैं, आप बताइए उसके जिम्मेदार कौन है? किसान योगी सरकार को फाड़ फेंकने काम करेगी। आप आतंकवाद कह रहे हैं, वो टेनी याद दिला रहे हैं आपको। योगी सरकार के शासन में हमारे जो नेता है, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे को भी जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। एक बहन खुशी दुबे आज भी जेल में है और टेनी रिहा होके घूम रहा है, और एक 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं पब्लिक के बीच अब जाऊंगा, जरा फटाफट बोलिए। हाँ जल्दी बिना सोचे हुए,
अगर जनता को समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है 300 यूनिट बिजली चाहिए तो सरकार बनाए, वरना जो है लूटने के लिए 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हो जाए भाजपा को जिताने के लिए। सर सर, महंगाई और बेरोजगारी बाहर इतनी पड़ेगी कि भाजपा दूर दूर नहीं देखेगी और आधी आबादी की आवाज उठाई कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनेगी। जोश हासन, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? कांग्रेस बहुत अंदर करंट है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी तय करेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो शासन बहन मायावती ने चला दिया, कोई पार्टी चला नहीं सकती। बहुजन समाज पार्टी युवा रोजगार मांगते हैं तो लाठियां बरसाते हैं बाबा जी। अभी 69,000 की जो पर्ची लिख वो क्यों लिखो? यह भाजपा वाले दो मिनट टिक नहीं पाएंगे फिर पाकिस्तान का भाजपा की सरकार बनेगी। धक्का मुक्की मत कीजिए, सबके पास आ रहा हूँ। धक्का मुक्की मत कीजिए, धक्का मुक्की। भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के, गुंडों की सरकार नहीं आएगी, गुंडों की सरकार नहीं आएगी, भाजपा की सरकार। अरे भैया रैली है क्या? ये रैली थोड़ी है कि नारेबाजी कर रहे हो, अपनी बात रखो ना। पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। 350 हाथरस कांड, हाथरस कांड भूल गए क्या? माइक छोड़िए, माइक छोड़िए। देखिए संस्कार हीर पार्टी, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग नीचे चलिए, पहले नीचे 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 चलिए। आप लोगों से गुजारिश है, देखिए हम लखनऊ में हैं, लखनऊ तहजीब की नगरी है, इस तरह से मत करिए और कम से कम माइक छीना झपटी ना करें। एक मिनट, मैं सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा, माइक मत छीनिए। पहली बात ये, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। हल्ला हंगामा नहीं, सबके पास में आऊंगा। चलिए पीछे जाइए, सबके पास में आऊंगा, पीछे चलिए, ऐसे नहीं छीना झपटी मत कीजिए। हाँ चलिए, सरकार में आने से कम जितने गुंडा माफिया और जो कम से कम सब अंदर है और कोई भी, इस समय सारी जनता बहुत ही अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मसला है, आपकी बात हो गई, आप घूम घूम के आप ही थोड़ी बोलेंगे। हाँ हो गया हो गया, इनको रोजगार पर बात करना चाहिए, रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। इनको इनको स्वास्थ्य पर बात करना चाहिए, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहे हैं। ये जब देखिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लाकर डाल देते हैं। अभी हमारा ट्रैफिक चल रहा था सिर्फ बेरोजगारी का, ये बीच में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया भैया? मेन बेरोजगारी बात करें ना, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे, ये बीच का रास्ता तो छोड़ दो। अरे ये रैली नहीं है कि आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, चलिए पीछे चलिए। एक बात, मैं पीछे तक जा रहा हूँ। बताओ जो मतलब भाजपा को वोट नहीं दे रहा वो हिंदू नहीं है क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं देता भाजपा को वोट, मतलब क्या मतलब है? चलिए पीछे, काला धन, मैं पूछ रहा हूँ भाजपा सरकार काला धन कब वापस ला रही? सिर्फ जुमलेबाजी करेगी। मेरा पूछना बीजेपी से है कि सरसों के तेल सामने सटिए, आप लोग सामने सटिए, कैमरे के सामने सटिए, हटिए, चलो बीच से हटो, आप लोग बीच से हटिए, इसको खाली करो जगह को। हाँ मेरा पूछना बीजेपी से है कि सरसों के तेल पे बीजेपी और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड है? दूसरी चीज, अपराधियों के घर बुलडोजर गए वो अच्छी बात है, लेकिन पूर्वांचल के कई जिलों में जो उनके माफिया डॉन है, विशेष जाति के, एक विशेष जात के माफिया डॉन है, वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि आप उत्तर प्रदेश में बेटियां नहीं चलाएंगी, ये वो स्टाम्प पे लिख के दें। गड्ढा मुक्त सड़क क्या प्रदेश में लाठियां क्यों मिलती है? सवाल देखिए कई सारे, हटिए बीच से, हटिए बीच से, हटिए। बीजेपी के प्रवक्ता, देखिए सवाल कई सारे हैं, सुन तो रहेंगे आप, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे पहली चीज है कि हमने अपराधियों पर बिना भेदभाव कार्रवाई किया है, हमने उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम किया है। 2000 करोड़ की संपत्ति अपराधियों की जब्त की गई है और बिना भेदभाव किए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे कोई हो। आप बहुत ताली बजा रही है, क्या कहना है? इधर आइए सर, बस हमारा ये कहना है कि हम महिलाओं को, हमें ये कहना है कि हम महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिला है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, आए की साइकिल बाबा जी के बुलडोजर के नीचे। सर हमारा शहर गंगा यमुना का प्रतीक देता है, यहाँ पे इस तरह की बात, जैसे बहन ने कहा कि उनको लॉ एंड ऑर्डर की बहुत फिक्र है। सर हाथरस में अभी हमारी बहन के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, अभी टेनी के लड़के को बाहर छूट गया पर अभी भी किसान अंदर है, टेनी बाहर साहब आ गए। सर हमें लगता है चोर, भाई छोड़ी, भाई छोड़ी। हमें लगता है चोर चोर मौसरे भाई, पहले बीजेपी विधायक उन्नाव में था, सपा का नेता है जिसने बेटी को गाड़ दिया है, सब एक सही से है। ले लीजिए, चोर चोर मौसरे भाई वो कह रहे हैं। यहाँ पे मैं बार बार कहना चाहूंगा कि चुनाव सर पे है, विकास पे चर्चा हो, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महिला सुरक्षा चाहिए। और जी बिल्कुल बिल्कुल विकास पे बात करें। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं टोटी चोर करके आप पे तंज कर रहे हैं वो। देखिए ये हमारे नेता का बड़प्पन है कि आप जो भी कहेंगे हम सुन तो ले रहे हैं। और दूसरी चीज
तीसरी चीज, हम अगर आप जहां रोजगार की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि पुलिस को हमने 1,00,000 रोजगार दिया, 1,00,000 पुलिस भर्तियां की, और यही नहीं चाहे जनका जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए अखिलेश जी, यहां लखनऊ में आपने शुरू किया बहुत अदब की ये जमीन है, एक छोटी सी बात है, इम्तिहान में पर्चे जांचते हैं। जो नीति आयोग है उसने बताया है कि उत्तर प्रदेश जो डबल इंजन की सरकार है सबसे गरीब प्रदेशों की सूची में नंबर 3 पर है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बाबा जी ने सबसे देश में फिसा। आप मन से नीचे चलिए, तो यहाँ पे नेतागिरी नहीं, चलिए नीचे चलिए, मन से नीचे, इस पे नहीं चढ़ना है किसी को, इस पे नहीं चढ़ना है, ठीक है, तहजीब के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था में आप फिसड्डी हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि आप हत्या और अपराध में सबसे ज्यादा खराब कोई अगर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी बात, हमने सुना था कि साधु न जात न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये ऐसे बाबा हैं जो बता रहे हैं मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, मैं जो है उत्तम कुल में पैदा हुई, अपनी जाति बता रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। तो इतनी चीजें हैं उनके खिलाफ है, फिर भी आप लोग वोट क्यों नहीं ले पाते हैं? अरे आपको कैसे पता? मैं कह रहा हूँ आप यही देख लीजिए उनके खिलाफ बात करेंगे, नतीजा जब आएगा तब भी मैं रहूंगा यहाँ पे। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं क्या? बीएसपी वाले सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं इस बार? नहीं, हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, पहले सबसे जनता से अपील करते हैं, आप लोग तहजीब तमद्दुन के शहर लखनऊ में है, प्लीज उसका सबूत दे और आराम से बैठ जाएं। चलिए बात रखिए अपनी जल्दी। बात भारतीय जनता पार्टी का आपने देख लिया, 5 साल में इन्होंने क्या किया है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान पे, कानून व्यवस्था पे, हर जगह ये लच्चर है। और अपना मुकाबला किससे कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, जो उनसे भी बदतर है। एक महिला ने अभी सवाल किया, उन्हें मैं बता दूं, बहुजन पार्टी के शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के राज में उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित था। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों इस वक्त लखनऊ में हैं और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, वो हम आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। यहाँ पर कुछ लड़कियां मुझे नजर आ रही, पहले इनसे मैं बातचीत कर लूँ, उसके बाद मैं पीछे भी आता हूँ। कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से, आप लोग बोलिए। बिल्कुल, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती है। बीजेपी ने कहा था जब यहाँ पर आएंगे 7 एम्स बनाएंगे, तो हेल्थ सेक्टर में कहाँ पे काम हुआ? दूसरा, बीइंग सीएम वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि कठमुल्ला या गर्मी निकाल दूंगा, वो इस तरह से सूट नहीं करता है। उनको मुद्दे पे बात करने के लिए काम करने के लिए, सुरक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के लिए, पेंशन के मुद्दे कहाँ गए बीजेपी सरकार के लिए? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ये बात क्यों होती है? पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पर घूम रहा है, मुद्दे कहाँ है असल? सर उनके वजह से तो भला मंदिर बना अभी तक क्यों नहीं फैसला हो रहा था, और फिर बीजेपी आई थी, बीजेपी धक्का मुक्की मत करिए, आएगी सर, और बीजेपी थी, बीजेपी आएगी, और साइकिल क्यों डर रही है बुलडोजर से? अच्छा क्यों डर रहे? साइकिल डर रही है बुलडोजर से, वो कह रहे हैं कि साइकिल वाले डरे हुए हैं बुलडोजर से। सवाल मेरा दूसरा है, सवाल मैं आप पूछता हूं आपसे ये, चलिए ये सब बातें जो कही गई, राशन वाला जो फैसला आप लोगों ने किया है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, आज अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि आप लोग तो राशन दे रहे हैं, वो सत्ता में आ गए तो घी और तेल भी देंगे। जो अपनी सत्ता में रहते हुए 40,00,000 फर्जी राशन कार्ड पर करीना कपूर कटरीना कैफ के नाम पर अनाज लेते थे, वो आज गरीबों को राशन देने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने समाजवादी पेंशन के नाम पर घोटाला किया, जिन्होंने 15,00,000 लैपटॉप खरीदे, 6,00,000 बांटे और 9,00,000 के पैसे खा गए, वो आज जनता को बात करने की बात कर रहे हैं। एक चीज सुन लीजिए, मैं ये सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ये चुनाव कुनबा बचाने के लिए लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही है, बीजेपी भी तो सरकार बचाने के लिए लड़ रही है, AIMIM ये चुनाव आग लगाने के लिए लड़ रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ठीक है, राशन वाला जो सवाल था उस पर आइए जरा, आपके नेता ने कहा कि वो तो सिर्फ राशन देने की बात कर रहे हैं ना, हम लोग तो सरसों तेल भी देंगे, घी भी देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो एक्ट्रेस के नाम पे घोटाला कर दिया आप लोगों ने। मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, जब चुनाव जब आज पास आता है तो राशन और सब कुछ बांटने काम करती है, और क्या जब चुनाव में जब ये सरकार बनाए तो इनकी महंगाई आपने देखा किस तरह तेल पे लूटा, किस तरह दाल पे लूटा, और तमाम सारी चीजें इन्होंने महंगी कर दी। और मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे इनकी सरकार बनी 200 रुपया डीजल और 200 पेट्रोल बेचेंगे, ये लीजिए डीजल पेट्रोल का डर दिखा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, कई लोगों ने कहा विकास, मैं दावे के साथ कहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग आंकड़ों के साथ, एक एक मिनट का टाइम रख लीजिए, अगर ये विकास पर बात करके दिखा दे मैं डिबेट छोड़ दूंगा। चलिए बोलिए,
आप अपना मैनोफेस्टो पे बात करिए। 2017 में जो मैनोफेस्टो था 70 लाख नौकरियां देने का वादा था, आप बताइए कितनी नौकरियां आपने बांटी है, बताइए 70 लाख में कितनी नौकरियां दी। दरअसल समाजवादी पार्टी को रोजगार और नौकरी में फर्क नहीं समझ में आता है, इनको पढ़ने लिखने चाहिए। हमने 70 लाख रोजगार की बात की थी, 5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा पे नौकरी और 2.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार। रोजगार इतना मिला क्या? जिस तरह पूरे प्रदेश में बेरोजगार लाठी खा रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। जितने निजीकरण कर दिया आपने, रेलवे बेच दिया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया, हो गया। अरे आप पब्लिक को भी बोलने दीजिए। EMI का डेटा है, इनके समय में बेरोजगारी दर 17.1% थी और 4.8% है। इनके समय में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। छोड़िए, मैं जनता के पास सीधे, नौकरी मिली कि नहीं रोजगार, चलिए पीछे चलिए, बारी बारी से सबके पास आ रहा हूँ। माइक पछीनिए, यार धक्का मुक्की मत करो, पीछे चलो। हम बाबा ने लाठी चलवाई है, हम बाबा ने लाठी चलवाई। अरे भैया हो गया आपका, देखिए मेरा नाम हिमांश। अरे बात रखिए जल्दी। देखिए नौजवानों की बात करते हैं, रोती बिलखती आंखें सब नजारा देखनी है। किस मनहूसगरी में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, युवा सोच रहा है घर से भागकर बन गए ये बाबा। आज है पीछे चलिए अपनी बात रखिए। ये हमारे देश में जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों ने हमें लूटा है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, मत कीजिए, हम आपसे कहना चाहता हूं वसूली नहीं बंद हुई कब से। भैया मैं 1988 से देख रहा हूं हमारे देश में। क्या किसी को चोट लग जाएगी, गिर जाओगे तो धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? जो पार्टी धंधा करती है, सभी पार्टियां धंधे के नाम पे हैं, कमाई के लिए हो गया। हमने भाजपा को वोट दिया, एक बुजुर्ग है जरा उनसे बात करने दीजिए, उनको बुलाइए। भैया हो गया, एक बुजुर्ग है, आइए बाबा, कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। क्या बोल रहे हैं? इनके साथ धक्का मुक्की मत कीजिए, बुजुर्ग है। जो सरकार, अरे यहाँ सामने से हटो, माइक हटो यहाँ से, सामने से कैमरा तो दिखाइए, सामने आइए। जो सरकार रोजगारों के लिए जो पढ़ लिख करके बच्चे घूम रहे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, और कानून व्यवस्था अच्छी हो, यही हम चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, रोजगार मिले और कानून व्यवस्था भी बढ़िया हो, एक बुजुर्ग का ये कहना। चलो हटे पीछे, आप लोग जो कह चुके आपकी बात हो गई। सर सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हर जगह इन्होंने जो हम लोग कन्नौज में अखिलेश यादव डेवलपमेंट किया था सब जगह रोक दिया। तिरवा में किसानों के लिए वो मंडी बन रही थी वो रोक दी, एजुकेशन सिस्टम इतना गिरा दिया है कि कोई भी। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं जनता से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ के डेवलपमेंट के मुद्दे पे सरकार चुनिए, सबसे बड़ी बात। पीछे चलिए। सर ये विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे हारने के बाद बंगाल और केरल बन जाएगा, जबकि ये फ्लाईओवर का अपना फोटो। हो गया आपकी बात, हो गई आपकी बात, मुझे बात कर दीजिए यहाँ पे। 30% में कौन है? पीछे हटिए। सर जो लोग बेरोजगार की बात करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सपा सरकार में वो आई एस पी सी एस थे? एक बार आपस में दूसरी बात बात रखिए, भैया सुन तो लो, छोड़िए किसान पहले एक एक मुद्दे पर आते हैं। किसान की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा रेट गेहूं का बीजेपी ने दिया, सबसे अच्छा रेट धान का बीजेपी ने दिया। पीछे। एक बात जो बार बार आ रही है, मैं आता हूँ पंकज जी, क्या मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी के है कि मुद्दों पे चुनाव ना हो। आप पीछे चलिए, तो मंच से नीचे उतरिए, मंच पे कोई नहीं चढ़ेगा, नीचे चलिए। देखिए सीधी सी बात है, आपने अच्छा काम किया है तो आप बताइए आपने गरीबी बढ़ाई या घटाई? आप उत्तर प्रदेश को अगर सबसे गरीब प्रदेशों की सूची में नंबर 3 बना चुके हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी बना दिया, ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए यहीं पर गोमती नदी है, आप अगर आते उस समय जो हालत थी ऑक्सीजन के बिना सिलेंडर के तड़प के लोग मर रहे थे और रात दिन यहाँ पे शमशान में लोग जलाए जा रहे थे, ये हकीकत है, इस हकीकत को कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। देखिए अखिलेश जी,
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि असल मुद्दों पर चुनाव ना हो पाए और जाति और धर्म पे हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये बेरोजगार नौजवान है, किसान है, जो जनता इस बार उत्तर प्रदेश को मूल विषयों पर ला दिया इस चुनाव को, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का चल नहीं रहा। दूसरी बात मैं जनता से कहूंगा, बाबा तो गोरखपुर चलेगा, ज्यादा जय जय अखिलेश ना कहो, वरना कहीं प्रदेश की जनता गए 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 अखिलेश ना कहते। ये लीजिए, ये तो बीएसपी वाले कह रहे कहीं गए 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 अखिलेश ना हो जाए। हमारे भाई साहब को बहुत गलत फैमिली है, बहन जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करी हो कहीं रोड शो वगैरह। नीचे चलिए, तो मंच पे क्यों आ रहे हैं, नीचे चलिए। अखिलेश यादव भैया, मुझे और भी लोगों से बात करनी है, आप लोग आगे से हटिए तो मैं पीछे तक जा पाऊंगा। मुझे और भी लोगों से हटिए, नहीं आप लोग हट जाइए पीछे, आप लोग की बात हो गई, आप ही लोग नहीं बोलते रहेंगे घूम घूम के। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे और लोगों से बात करने दीजिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, हटिए यहाँ से, हटिए यहाँ से, एक ही आदमी नहीं बोलता रहेगा, हटिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सामने आइए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं। ठीक है, क्या माहौल है सर? माहौल बहुत क्या बताएं कि समस्या इतनी है कि हम लोगों को जैसे कि पढ़े लिखे हैं, रोजगार चाहिए और नौकरी की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए सर। यूपी की जो सरकार होती है, अरे हट जाओ यार कैमरे के सामने, सुनो हम लोग, हमेशा से हिंदू मुसलमान में डिवाइड किया जा रहा है। हम जैसे युवक को पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। कुछ लेकर मरी है, हाँ बोलिए। रोजगार पे बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दिया जाए। गुंडा माफिया पे बात कर रहे हैं भाई साहब ने, गुंडा माफिया के लिए बात किया। हाँ। ये बताइए, योगी बाबा के पास एक पिस्टल एक रिवॉल्वर है, ठीक है, अखिलेश के पास क्या है? हाँ। वो कह रहे थे, हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री है वो बोल रहे थे कि मैं क्या दूरबीन लगा के देखता हूँ, मुझे माफिया दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ बाद वो रक्षा मंत्री होते तो उनका पता हो जाता जो कासन बोला जाता है। पीछे आज से 2017 से पहले, 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, इसी नारे लगते थे। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उसके उनसे मैं पूछना चाहूंगा, मैं राजस्थान से हूँ, इन्हीं कांग्रेसियों ने राजस्थान में बेरोजगारों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का और किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करने का दावा किया था, मगर कांग्रेस में आज बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, और वही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपसे सवाल हो गया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारा एक सबसे पुराना सपना साकार किया है, वो है राम मंदिर का। जय जय श्री राम। राम मंदिर, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये कोर्ट का मुद्दा है। अगर 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 भारतीय जनता पार्टी कोर्ट से पढ़ के हो गई है तो ये भी बात बता दे, भारतीय जनता पार्टी क्या वो कोर्ट से पढ़ के हो गई है? अरे भैया धक्का मुक्की मत करो, सभी सभी के पास आ रहा हूँ। अभी जो है बुलडोजर रिपेयर हो रहा है। 2012 से 2017 तक बीजेपी उसकी सपा के सरकार थी, उसने क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिया? जवाब दीजिए राहुल। देखिए जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं ये वही राम मंदिर है जहां ये चंदा चुरा के करोड़ों रुपया डकार लिए हैं, और कोरोना को भी अवसर में बदला इन्होंने। 20,000 करोड़ रुपया इस आम जनता का पैसा कहां गया? मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह ने कितने रुपए चंदा दिए राम मंदिर में बताइए। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो राम का नहीं वो परशुराम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। हम जनता के पैसे से चंदा नहीं देते हैं, और जनता के पैसे से विकास होगा। जिस तरह से 2017 में विकास हुआ था, उसी तरह दोबारा 2022 में जब सरकार आएगी समाजवादी पार्टी, किसानों को पैसा मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा। अब तो देखिए वोट लोग डालना शुरू कर चुके हैं, 3 चरण का मतदान हो चुका है, और पब्लिक बहुत समझदार होती है, जनता तय करेगी सही क्या है गलत। तो उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी उफान पर है, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं लखनऊ में जिस तरीके का मिजाज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान लोगों का देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, कई लोगों के पास कई बातें कहने को है, मैं सभी के पास आऊंगा। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रही? सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पार्टी कोई भी आए, कोई भी पार्टी लाए जनता, वो बात सही, बट मैं समोटर अखिलेश यादव की हूँ, ठीक है,
बट कुछ भी हो, यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कसम हो जाए, हिंदू मुस्लिम कसम। पीछे चलिए। हमारा बीजेपी से ये है कि निजीकरण को बंद करें। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी बासुनी में गांव से आया हूँ। देखिए सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये देश में जो अत्याचार भ्रष्टाचार और सर वसूली और ये महंगाई खत्म हो जाए, नहीं तो ये 2050 तक देश गुलाम हो जाएगा। देखिए ऐसा है, बीजेपी सरकार में भर्तियां हुई हैं और लाखों भर्तियां हुई हैं, सुन लीजिए। और सपा सरकार में जो भर्तियां हुई हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक पूरा दस तारीख को समाजवादी पार्टी के हर नेता आएगा, योगी जी का शपथ ग्रहण देख ले। कम से कम इस समय जनता का पैसा जो है मंदिर में, पहले तो पैसा जो था वो सब सफाई के महोत्सव में और सब नचाने में। ये जो राम राम कर रहे हो, जो भाई सब पता खड़ा है, हिंदू नहीं आ गया भाई, जो खड़ा हिंदू नहीं आया, जो मुसलमान। अभी कली के अखिलेश यादव ने कहा कि जिसके परिवार नहीं होता वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे। योगी जी का भी परिवार है, मोदी जी का भी परिवार है, पर वो अपने परिवार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधाएं होती है, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले और इनके मैं समाधि। आप इनको आने दीजिए, एक लड़की है, इनको आने दीजिए, महिला कुछ कह रहे थे। नीचे आइए, चलिए पीछे चलिए, सभ्यता का परिचय दीजिए, पीछे चलिए। सर मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। अभी जो इलेक्शन हुआ था पंचायती इलेक्शन 2021 में, मेरे फादर वहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी में गए थे, जो कि यहाँ पे आयुर्वेद डिपार्टमेंट में है। मोदी जी ने यहाँ पे पहले ऐलान किया था कि जिनकी भी उसमें डेथ हुई है कोविड के इलेक्शन के बाद, उनको 13 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने 50 लाख का उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन 50 की जगह हम लोग को सिर्फ 30 का अनाउंसमेंट हुआ है। नहीं मिला, सिर्फ 30 मिला है, बाकी का 20 जवाब दे दीजिए। यही बीजेपी के नेता जवाब दे दीजिए जी। अगर इनके लिए मुआवजा नहीं मिला है तो मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर बोलिए सर, यहाँ पे हम लोगों को कहा जाता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम, अगर पब्लिक, चलिए हो गया, आपकी बात हो गई। माइक मत पकड़िए, माइक मत छीनिए। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जी प्लस मोदी जी बोलते हैं कि अगर जनता को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उनके दरबार जाए, उनके ऐप पे मैसेज करे, लेकिन ना तो उनके ऐप में कोई भी समाधान होता है। कब तक मिल जाएगा जी? बिल्कुल, इन्होंने पहले ही बताया कि इनको काफी मुआवजा मिल चुका है, कुछ हिस्सा बचा है वो भी मिल जाएगा इनको। जब से भाजपा सरकार में आई है तब से दो राम हो गए, एक भाजपा के राम, एक जनमानस के राम। तो भाजपा के जो राम है और जनमानस के राम, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो बात हो रही ना, ये बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब समय थोड़ा कम है, आप सभी लोगों से, नेताओं से सवाल, अगर सत्ता में आने का मौका मिला एक काम बताइए, ऐसा कौन सा करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए सत्ता में आने का मौका मिला तो? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार देंगे बीएसपी वाले, ठीक है। पिछले कार्यकाल में नहीं दे पाए थे, 20 लाख रोजगार दिए थे, 20 लाख। और एक बात जी, आपको भी मजा बहुत आ रहा है, ये बताइए, आप कह रहे थे अखिलेश जी योगी जी का जो है रोड शो चल रहा है, तो यहाँ पर है क्या वो लोग अकेले घूम रहे हैं वहाँ पर? क्या काम करेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक शुरुआत हुई है 40% टिकट देने की महिलाओं की, और अगर सरकार बनी तो 40% रोजगार भी महिलाओं को हर लेवल पे दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पास समय नहीं है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, धन्यवाद आपका। समय नहीं है सर, कल अयोध्या में मुलाकात होगी मेरी आप लोगों से, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम कल अयोध्या से जरूर देखिएगा मेरे साथ। ABP News आपको रखे आगे।